श्री श्री कल्याण राय भगवान की, शिवपुराण की, शिव परिवार की, आज इस सांगोद की ऐतिहासिक धरती पर जो धार्मिक आध्यात्मिक नगरी है, वहां किराड़ समाज के 84 गांव का ये डोरा भगवान श्री कल्याण जी के इस भव्य मंदिर के अंदर आज शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भगवान कल्याण राय जी की अपार कृपा हम सब पर है, उनका आशीर्वाद हम पर है और उनकी आशीर्वाद और कृपा से इस सारे क्षेत्र की कल्याण और समृद्धि हो रही है। मुझे आज प्रसन्नता है कि इस आध्यात्मिक और नगरी के अंदर जो काशी की नगरी कहलाती है, वहां आज फिर भगवान शिव परिवार की प्रतिष्ठा हुई है। देवों के देव महादेव, उनकी कृपा सब सृष्टि पर है और इस सृष्टि के अंदर जो कुछ भी होता है वह भगवान शिव और राम की कृपा से होता है। भगवान शिव के अनेक स्वरूप है, अनेक रूप है, उनके हर स्वरूप को आप देखेंगे, हर रूप को देखेंगे तो भगवान शिव भोलेनाथ भी है और महाकाल भी है। भगवान शिव इस सृष्टि के अंदर जब कभी प्रलय आया तो प्रलय को रोकने के लिए भी भगवान शिव ने अपनी जटाओं का उपयोग किया और इसलिए कहते हैं कि शिव जी की बरात में व्यक्ति के जीवन के हर चरित्र का संदेश है। जितना भगवान शिव के वर्णन करें और उनके जीवन चरित्र का व्यक्ति जीने लग जाए तो शायद उसकी सृष्टि की पार हो जाए और हम सब आए हैं मोक्ष प्राप्त करने। भगवान मनुष्य के जीवन के अंदर हमें सौभाग्य है कि हम आध्यात्मिक भी हैं, धर्मी धार्मिक भी हैं और हम सबका सौभाग्य भी है कि हमें भारत की इस देवभूमि के अंदर जो आध्यात्मिक संस्कृति और धर्म का देश है वहां हमारा जन्म हुआ और इसीलिए दुनिया के अंदर आप जब देखेंगे तो दुनिया के अंदर लगेगा आध्यात्मिक दर्शन लेने का काम किया तो भारत ने किया। देवों का प्रकटीकरण हुआ तो भारत में हुआ और हमारे 64 करोड़ देवी देवताओं
ने जो जीवन के अंदर हमें संदेश दिया, आध्यात्मिक संदेश दिया, धर्म का संदेश दिया, अपनी संस्कृति का संदेश दिया, ताकि व्यक्ति जीवन के अंदर आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति से चलेगा तो कभी विचलित और कभी दुखी नहीं होगा। और इसीलिए भगवान शिव ने जब समुद्र का मंथन हुआ तो उस मंथन के अंदर अमृत भी निकला, विष भी निकला। अब विष कौन पिए? तो भगवान शिव ने विष किया इसलिए नीलकंठ के नाम। और इसीलिए हम भगवान शिव की आराधना करते हैं कि हमारा कोई भी संकट होगा, कोई भी आपदा होगी तो भगवान शिव हम पर कृपा करेंगे। तो ओम जी मेहता सही कह रहे थे, ये भगवान शिव की कृपा है, कल्याण राय भगवान की कृपा है। अब जब शिव बरात की बात करते हैं, शिव परिवार की बात करते हैं, तो शिव भगवान का जीवन कितना सादगीपूर्ण था। जीवन के अंदर सादगी चरित्र, दूसरे को की दुख और पीड़ा को, अपनी दुख पीड़ा, दूसरे के आपदा संकट को अपना संकट मानना, और जब कभी दुष्टों का नाश करना हो तो अपने विराट स्वरूप को भी दिखाना। और इसीलिए आज भगवान शिव की कृपा के उनके जीवन पर हम इसी तरीके से मनुष्य जीवन के अंदर जब कोई दुखी हो, आपदा के अंदर हो, संकट के अंदर हो, तो हमारी संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति कहती है हम उस आपदा संकट विपत्ति में उसकी मदद करें, उसकी आपदा को हम आपदा में लें। जीवन के अंदर सादगी रखें, भोले बाबा की तरह हमेशा सादगी सत्य और जीवन के अंदर जीने की भगवान की शिव की तरह निष्कपट, न निष्कपट चर्चा मुंह से हो न निष्कट आत्मा के अंदर हो, हमेशा भोले की तरह भोले रहें। और कभी दुष्टों का नाश करना हो तो महाप्रलय भी करते हैं, इसलिए जब उज्जैन में जाते हैं तो कहते हैं कि वहां की अलग लीला है। जब हम गंगा में जाते हैं तो गंगा का प्रकटीकरण हुआ, तो जब गंगा का विकराल रूप हुआ तो उस विकराल रूप को रोकने का काम किया, सृष्टि को बचाने का काम किया। इसलिए आज हम सब बहुत प्रसन्नता है, बहुत खुशी, उत्साह है, उमंग है, उल्लास है। आज ये उल्लास उमंग आपके चेहरों पे देख रहा हूं मैं कि भगवान कल्याण राय जी के मंदिर में शिव पुराण भी होगा, यज्ञ भी होगा, और आज जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उस प्राण प्रतिष्ठा से भगवान शिव की कृपा हम पर और बनी रहेगी। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। और इसी तरीके से हम जीवन के अंदर जब कभी जीवन का कुछ क्षण मिले तो धर्म और आध्यात्मिक जीवन में समर्पित करें, भगवान में समर्पित करें, यही आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। जय भोले।